Assalamu alaikum to all my students. Today the topic that we are discussing is the poem The Neem Tree, the very famous poem. It is written by Elsa Kazi. First of all, a little introduction to the poet is brother. Miss Elsa Kazi was a German wife of Allama Kazi. She was the vice chancellor of University of Sindh. She was born in Germany. Basically, she was a German and then he married a Pakistani man. Okay. And then they came to Sindh in 1911, where they spent the rest of their life. Elsa Kazi जो हैं वो बहुत ही अच्छी राइटर रही हैं, ठीक है, अपने दौर की जो हैं. फिर उन्होंने एक बुक की ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, ठीक है ना, और बहुत सारी इस तरह की तसानी फिर उन्होंने लिखी हुई हैं. इनकी लिखी हुई ये पोएम है द नीम ट्री, बहुत ही फेमस है पोएम है, ठीक है. थोड़ा सा मैं आपको जो है पैराग्राफ वाइज जो स्टैंडा वाइज जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको इस पोएम की दे दूँ ताकि आपको एक अनुभव मिल जाए. ये आपकी बुक्स में जो है पेज नंबर 17 में पोएम मौजूद है आपकी. My lovely neem that intercepts sun's scorching beam, yet bears the heat all day without the rains to the refreshing spring. Thou charms the wanderers woke away with soothing shade. जो आपका first stanza है उसमें सबसे पहले तो इस poem में poetess ने जो है neem tree के बारे में जो है वो describe किए हैं. neem tree के qualities को जो है उन्होंने characteristics को जो है describe किए हैं और उन्होंने ये show किया है अपने poem के जरिए जो है कि नीम ट्री जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है, किस तरह से मतलब हेल्प करता है. इवन तो इट्स जस्ट अ ट्री, इवन तो ये एक पेड़ है, ये ट्री है, यू नो. नॉर्मली हम ऐसे इस तरह की जो चीज़ें हमारे लिए मौजूद होती हैं हम उस पर तवज्जो नहीं देते, वी डोंट पे अटेंशन टू इट. गॉड इज जस्ट अ सिंपल ट्री, यू नो, व्हाट इज अ ट्री, बस वो आप शेप दे रहता है. नो, बट इफ वी यू नो पॉन्डर ओवर, एक्चुअली बेसिकली पोएट्स जो होते हैं या राइटर्स होते हैं दे आर यू नो their imagination is very good, they are very skillful people, बहुत creative लोग होते हैं. तो they see you know the meaning of life in each and everything. तो यहाँ पे भी जो नीम ट्री की बात पॉइंट्स कर रही हैं तो उन्होंने नीम ट्री को जो है बेसिकली अगर एक मैन से इंसान से कंपेयर कराए तो उन्होंने कहा है कि नीम ट्री जो है किस तरह से यूजफुल है, वाई कैन द मैन यू नो बिकम लाइक दैट. आपका फर्स्ट अंदर जो है उसमें ये बताया हुआ है कि एक नीम ट्री जो है वो सारा दिन जो है गर्मी और धूप जो है उसकी शरीर इंटरसेप्ट सन स्कॉचिंग बीम. स्कॉचिंग बीम का मतलब ये सूरज की जो है वो तेज़ रोशनी से शुआओं से जो है वो लड़ता है, वो बर्दाश्त करता है गर्मी, खुद जो है वो तकलीफ उठाता है गर्मी बर्दाश्त करता है, लेकिन जो उसके साए में बैठते हैं आगे उनको जो है वो राहत देता है. सूदिंग शेड यानी कि जो उसके साए में आगे बैठता है उन्हें राहत देता है, उन्हें जो है ठंडक पहुँचाता है, लेकिन खुद जो है वो गर्मी बर्दाश्त करता है. ठीक है, look at the second stanza. How strong you are, how unafraid, how green the thy leaves in spite of all the midday flames that burning fall upon thy unprotected head. Could man be bold as thou as man rise? ठीक है, second stanza में उन्होंने जो है जब नीम ट्री को compare किया है man से, पहले उन्होंने ये बताया quality कि नीम ट्री जो है वो किस तरह से जो है helpful है या किस तरह help कर रहा होता है. ठीक है ना, फिर उन्होंने man से comparison किया है, वो ये किया है कि नीम ट्री जो है एक पेड़ होते हुए भी बहुत मजबूत है, बहुत बेबाक है, बहुत बोल्ड है, सही है ना, डरता नहीं है, वो अपनी जगह जो है मजबूत खड़ा हुआ है. तो इंसान जो है वो इस तरह क्यों नहीं बन सकता, वाई इज मैन नॉट लाइक दैट. ठीक है, इंसान जो है वो किसी की बढ़ के मदद क्यों नहीं करता, क्यों जो है वो बहादुरी का मुजाहरा नहीं करता है, वो खुद जो है नीम ट्री परेशानी और तकलीफ बर्दाश्त करके भी वैसे ही मजबूत और स्ट्रांग रहता है. तो इंसान ऐसा क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों टूट जाता है परेशानियों से, जरा सी परेशानियों से. हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इंसान जो है वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, यू नो ज़रा परेशानी हमारी बढ़ जाती है तो हम जो है वो एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, माजरत कर लेते हैं, नहीं नहीं मैं ये कर सकता, हम वो नहीं कर सकते. द थिंग इज़ कि जब ये एक पेड़ जो है वो इतना बेबाक है, अल्लाह ने उसको इतनी सलाहियत दी हुई है, ठीक है ना, दैट इट प्रोटेक्ट्स एवरीबॉडी पुश इट इन इट्स शेड. इसे ये भी सरोकार नहीं होता कि इसके साए में आगे कौन बैठ रहा है, कि किसी मदद कर रहा है. तो हम जो है इंसान जिसको अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात कहता है तो हम जो है वो ऐसे क्यों नहीं बन सकते, वाई कैन बी लाइक देन यू नो दिस बी स्ट्रॉन्ग ब्रेव एंड बोल्ड, वाई कैन बी लाइक यू नो इट, वाई कैन बी यू नो हेल्प ईच अदर विदाउट एनी सेल्फिशनेस, व्हाई डू वी डू दैट, यू नो व्हाई आर वी सेल्फिश, ह्यूमंस बीइंग जो है वो सेल्फिश क्यों हैं, क्यों जो है हम इस तरह के बन जाते हैं कि हम जो है वो पहले अपना फ़ायदा देखते हैं. ठीक है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबव द अर्थ शेल्टरिंग आर्म्स टू सेव सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, sorrows, poverty and vice through sacrifice. Could man be stubborn and like thee face every fate that would not be fulfillment of life's loftiest dreams, my lovely neem tree. ठीक है ना, तो नीम ट्री है बिलाशुबा लवली है बिकॉज ये जो है हर किस्म से की दुख से परेशानियों से हर किस्म की
जो है जो एक पेड़ के नज़दीक एक प्रॉब्लम है वो बताई गई है कि जो पेड़ हैं वो गर्मी जो है बर्दाश्त कराता है, एट द सेम टाइम कभी हवाएं चलने लग जाती हैं, एट द सेम टाइम कभी ठंड है, कभी बारिश हो रही है, वो हर तरह की परेशानी से गुजर के भी जो है वो शेड देता है, प्रोवाइड करता है जो भी उसके साए में बैठता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है, बेसिकली जो मैसेज उस पोएम में रखता है, या आपको जो है वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए जो है ईसार का जज्बा रखना सीखिए, सेक्रीफाइस सीखिए जो है, उसके बगैर जो है वो मेहनत के बगैर, सेक्रीफाइस के बगैर जो है, मुशक्कत के बगैर, मेहनत के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। और इस तरह की ज़िंदगी कि अगर आप अपने लिए जी लें, अपने काम कर लें, सेल्फिशनेस अपने दिखाई, तो ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। जो ज़िंदगी जो दूसरों के लिए जीते हैं, अल्लाह ताला उनके जो है वो काम संभालता है, जो दूसरों के लिए आगे बढ़ के दूसरों की खिदमत करते हैं। बेसिकली इंसान को जो है नीम टी से, इस पेड़ से जो है सबक सीखना चाहिए कि ये किस तरह से जो है, जिस तरह से ये हिम्मत करता है या खड़े रहता है, कि जहाँ मजबूत इंसान को भी खुद को अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, और ईसार का और कुर्बानी का जज्बा जो है अपने आप में पैदा करना चाहिए, दूसरों की बढ़ के जो है खिदमत करनी चाहिए। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो इस पोएम में चढ़ जाए जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग इसकी जो है पोएम के जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं, तकरीबन 8 वर्ड्स जो हैं ढूंढ लें, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो ढूंढ के जो है इसकी मीनिंग्स ढूंढिए, लिखिए, एंड इसके भी जो हैं क्वेश्चन आंसर्स जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे, इंशाल्लाह RTC अपलोड कर लिया जाएगा। अच्छा, आपने एक और चीज़ ये करनी है, आप जो है इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जो है वो खुद से लिखेंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, पहले आप खुद से लिखिए, ठीक है ना। फिर इसका सेंट्रल आइडिया भी इंशाल्लाह तमाम तरह डेटा जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। एंड देन वंस अगेन जो भी प्रॉब्लम या परेशानी हुई भी, तो व्हाट्सएप मौजूद है, ग्रुप आपके मौजूद हैं, कुछ भी आपने पूछा हो इस लेक्चर से रिलेटेड जो है, प्लीज़ यू नो फील फ्री टू आस्क।